यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। पर्सनली 8.3 वक्र वाई बराबर 2x² - 3x - 1 बिंदु 1 और -2 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अपने पास वक्र का समीकरण दिया गया है y बराबर 2x² - 3x - 1। ये वक्र का समीकरण है, इसका अपन dWRtx x के सापेक्ष अवकलन करते हैं dy/dx पावर बार पावर से कम x का हो गया 1, इसका हो गया 0 dy/dx x की जगह रख देंगे अपन 1 और -2, x की जगह रख देंगे 1, y की जगह रख देंगे -2, x की जगह रख देंगे 1, 3 dy/dx का मान आ जाएगा अपने पास बिंदु 1 और -2 पर आ जाएगा अपने पास 4 - 3, 4 - 3 आ जाएगा अपने पास, बराबर आ जाएगा अपने पास 1। इस पर रेखा एवं अभिलंब का समीकरण बिंदु 1 और -2 जिसकी प्रवणता यानी dy/dx का मान 1 हो, इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 dy/dx और x - x1 y - y1 की जगह है -2, dy/dx की जगह है 1, x - x1 की जगह है 1, -, प्लस x - 1। भाई को इधर लाओ, भाई को आप इधर लेके आ जाओ, x - y - 1 माइनस प्लस के 2 इधर आए, माइनस के 2 बराबर 0, x - y - 3 बराबर 0। ये आपके आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/dy/dx, -1 में 1 का भाग दिया -1 बिंदु 1 और -2 और प्रवणता अपने पास है -1 पर अभिलंब का समीकरण y - y1 - 1/dy/dx x - x1 y - y1 - उसका मान आ गया अपने पास -1, x - x1 की जगह x1 आ गया अपने पास, y - y1 की जगह -2 - 1 x - 1 ये हो गया -, प्लस के 2 -x - प्लस का 1। ठीक, इसका करो पक्षांतर तो ये हो गया प्लस का x प्लस का y प्लस का 2 प्लस का 1 उधर जाते हो गया -1 बराबर 0, x + y + 1 बराबर 0। ये आया अपने पास अभिलंब का समीकरण। ये आपके स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा
तो ये आपके विलोम रेखा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूरे प्रश्न को वापस रिवाइज करते हैं। देखो आप, वक्र y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, बिंदु 1 और माइनस 2 पर स्पर्श रेखा एवं विलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वक्र y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसका अपन ने x से सापेक्ष किया अवकलज dWrt x, x से सापेक्ष अवकलज किया dy/dx पावर बार पावर से कम x का हो गया 1 का हो गया 0, बिंदु 1 और माइनस 2 पर x की जगह 1 रखा और y की जगह माइनस 2, y है नहीं, x की जगह रख दिया 1, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए पीछे बच गया एक, बिंदु 1 और माइनस 2 पर जिसकी प्रवणता dy/dx का मान है 1, इस पर रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1, y माइनस y1 माइनस 2 बराबर dy/dx का मान 1, x माइनस x1 की जगह 1, माइनस माइनस प्लस x माइनस 1, x माइनस y माइनस उधर गया माइनस 1 और माइनस 2 माइनस के हो गए 3, x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, यह है इसमें रेखा का समीकरण। और अभिलंब की प्रवणता है अपने पास माइनस 1 अपॉन dy/dx, माइनस 1 रखा dy/dx का मान रखा 1, माइनस 1 आ गया अभिलंब की प्रवणता, बिंदु 1 और माइनस 2 पर प्रवणता माइनस 1 है, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy/dx x माइनस x1, इसका मान है अपने पास माइनस 1, x माइनस x1 y माइनस 1, y1 का मान माइनस 2, x1 का मान 1, माइनस माइनस प्लस माइनस का x गुना किया माइनस x, माइनस माइनस प्लस माइनस x का मैंने कर दिया पक्षांतर, माइनस x इधर आ गया हो गया प्लस y प्लस 2, प्लस का एक उधर जाते हो गया माइनस x प्लस y, प्लस के दो में से माइनस का एक गया प्लस का एक, x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, अभिलंब रेखा का समीकरण x माइनस y माइनस 3, स्पर्श रेखा का समीकरण। यह आपके बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का सवाल अभी भी आया था बोर्ड में, अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कर सकते हो आप। आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब का सूत्र आना चाहिए और dy/dx का मान निकाल आना चाहिए और ये प्रश्न आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण बिंदु निकालना भी आना चाहिए आपको, अगर बिंदु दिया है तो ओनली फॉर dy/dx निकालो, अगर dy/dx दिया है तो बिंदु निकालो, किसी ने किसी को शर्त दी होगी प्रतिबंध जिससे आपको बिंदु और dy/dx आ जाएगा आपके पास, और स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर आठ, आठ का जी, एस बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280, टी बराबर 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक प्राचल समीकरण है, क्या है प्राचल समीकरण है, एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280, टी बराबर 1 रखने पर, टी बराबर 1 रखा ये 1 का स्क्वायर, ये आया अपने पास एक्स का मान आ गया 1, ठीक, और वाई बराबर 2a इंटू 1, वाई का मान आ गया 2a, तो अपने पास वक्र पर स्थित बिंदु आ गया P जिसके निर्देशांक x और y, आप देखो आ गया अपने पास x का मान एक क्या, ये आ गया E, और y का मान आ गया अपने पास 2a, ठीक, और ये आपके x बराबर 80 स्क्वायर,
और वाई बराबर 280। ये प्राचल समीकरण है, तो अपन इसका क्या करेंगे, देखो आप डी डब्ल्यू आर टी 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 के सापेक्ष अवकलज करेंगे डी एक्स डी टी, पावर बार पावर से एक कम डी वाई डी टी, टू ए और टी का हो गया एक बराबर हो गया टू ए। ठीक, तो देखो आपके पास अपने को चाहिए डी वाई डी एक्स, तो ये आया डी वाई डी टी, ये हो गया डी एक्स डी टी, डी वाई डी टी का मान आ गया अपने पास टू ए, डी एक्स डी टी का मान टू ए टी, टू ए से टू ए चला गया, डी वाई डी एक्स, एक्स का मान है अपने पास ए और वाई का मान टू ए, एक्स है नहीं वाई की जगह है टू ए, डी वाई डी एक्स का मान आ गया अपने पास वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए। एक मिनट, टू ए से टू ए चला गया, तो वन टू ए से टू चले वन अपॉन टी बचा, यहाँ पर वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी बचा डी वाई डी एक्स, टी का मान कितना है एक, वन अकाउन एक बराबर आ गया वन, डी वाई डी एक्स का मान अपने पास आ गया एक। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु ए और टू ए पर जिसकी प्रवणता एक है वाई माइनस वाई वन डी वाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की जगह है टू ए, डी वाई डी एक्स की जगह है वन, एक्स माइनस एक्स वन की जगह है ए, वाई माइनस टू ए, एक्स का पक्षांतर कर दो आप ले, या एक्स माइनस ए, वाई का पक्षांतर कर लो आप, एक्स माइनस वाई माइनस ए, टू ए माइनस का इधर आया प्लस का टू ए बराबर जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस ए बराबर जीरो। ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, और अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी अपने पास माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स बराबर आ जाएगी माइनस वन अपॉन वन बराबर आ जाएगा वन, वाई माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपके वाई वन का मान आ गया टू ए माइनस वन एक्स माइनस ए, एक्स वन की जगह ए, ये माइनस वन को इधर ले आओ डायरेक्ट, वाई माइनस एक्स उधर आता है गया प्लस एक्स माइनस टू ए माइनस माइनस प्लस ए, तो ये प्लस ए उधर आता हो गया माइनस ए बराबर जीरो, यह आया एक्स प्लस वाई माइनस तीन ए बराबर जीरो। ये आ गया अपने पास अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, ये आपके पास आ गया अभिलंब का समीकरण। पूरे प्रश्न को वापस रिवाइज करते हैं और आपको वापस समझाते हैं। x बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280, टी बराबर 1 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आप
एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280, टी बराबर 1 रखने पर एक्स का मान आ जाएगा, टी की जगह 1 रखा एक्स का मान आ गया 280, टी की जगह 1 रखा वाई का मान आ गया 2a। वक्र पर स्थित बिंदु है पी एक्स वाई जिसके अंदर ए और 2a, एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280, ये प्राचल समीकरण है। इसका अपने dWrtx x के सापेक्ष अवकलन कर नहीं सकते क्योंकि x में जो फलन दिया है वो t में, x बराबर t में फलन है, तो ये प्राचल समीकरण है। dWrtt के सापेक्ष अपने अवकलन किया dx dt पावर बार पावर से कम, और y का हो गया dy dt, t का हो गया t के सापेक्ष 1। यहाँ भी आप चाहो तो लिख सकते dWrtt टी का टी के सापेक्ष एक 2a, dy dx बराबर dy dt upon dx upon dt, 2a से 2a गया 1 upon t, और t की जगह मान रखा मैंने एक, dy dx का मान आ गया अपने पास 1। स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु a और 2a पर जिसकी प्रवणता 1 है, y minus y1 dy dx x minus x1, y माइनस वाई वन का मान 2a, dy dx का मान 1, x माइनस x1 का मान a। y का मैंने पसंद किया, y आ गया प्लस का इधर आ गया माइनस, माइनस 2 इधर आ गया प्लस 2a, x माइनस y प्लस 2a में से माइनस a गया, x माइनस y प्लस a बराबर 0। इस पर रेखा का आ गया समीकरण। अभिलंब की प्रवणता माइनस 1 अपॉन dy dx, माइनस 1 में 1 का भाग दिया माइनस 1 आ गया अपने पास अभिलंब, तो ये आ गया अपने पास माइनस 1। वाई माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन dy dx, माइनस 1 अपॉन dy dx का मान है माइनस 1, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह ए, वाई वन की जगह 2a, ठीक है ना। तो ये माइनस को मैंने इधर लेके आया तो पूरा हो गया प्लस, ये आ गया एक्स प्लस आ गया, और ये माइनस ए यूँ का यूँ, माइनस पूरा इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस एक्स, ये पूरा हो गया प्लस, माइनस इधर आता हो गया प्लस एक्स, ए एक्स प्लस का और माइनस ए भी, क्या चिन्ह चेंज नहीं होंगे माइनस ही, ठीक है ना। माइनस इधर आते एक्स हो गया प्लस में, और ये माइनस माइनस अगर प्लस करूँ तो ये प्लस इधर आते हो गया माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस ए और माइनस 2a माइनस 3a बराबर 0। अभिलंब का समीकरण आ गया अपने पास, ये आपके पास अभिलंब का समीकरण है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्राचल समीकरण है, प्राचल समीकरण को अपन चेंज करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई डी टी में डी एक्स डी टी का भाग दिया, 1 अपॉन t आया, टी बराबर 1 रखा, डी वाई डी एक्स समान 1 आया। इस पर अपने इस पर रेखा का समीकरण निकाला, ठीक है, और इस पर रेखा का समीकरण निकालने के बाद अपने अभिलंब का समीकरण ज्ञात किया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्राचल समीकरण को कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, प्राचल समीकरण है इसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, और कन्वर्ट होते ही प्रश्न का आंसर आ जाता है। कन्वर्ट करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280 एक प्राचल समीकरण है, तो प्राचल समीकरण को आपको टी है तो dy dt निकालने के लिए पहले dx dt निकालेंगे, फिर dy dt, dy dx में dy dt में dx dt का क्या दे दिया अपन ने, भाग दे दिया, ठीक है ना, और dy dt निकाल दिया। अब इस पर रेखा का अभिलंब का समीकरण लगा दिया अपने, ये इस पर रेखा का समीकरण वाई माइनस वाई वन dy dx, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन 2a, dy dx समान 1, एक्स माइनस 1, y को इधर लाया माइनस वाई, माइनस 2a इधर लाया प्लस 2a, एक्स माइनस वाई प्लस ए। इस पर रेखा का समीकरण अभिलंब की प्रवणता माइनस 1 अपॉन dy dx माइनस 1, वाई माइनस वाई वन अपॉन माइनस 1 अपॉन dy dx एक्स माइनस एक्स वन, माइनस है तो माइनस एक्स माइनस ए, तो माइनस आया इधर, माइनस इधर आया प्लस हो गया, और ये एक्स प्लस वाई माइनस 3 आ गया। अभिलंब का समीकरण आ गया।